भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई के मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा, ऑनलाइन बिजनेस को लेकर मध्य प्रदेश में कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है, इसमें गाइडलाइन बनाई जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्र ने कहा कि इस तरह से तो हथियार भी सप्लाई हो सकती है। 384 टन गांजा आरोपियों के द्वारा अभी तक बुलाया गया है। गांजा सप्लाई मामले में अमेजोन कंपनी के अधिकारी जांच में मदद नहीं कर रहे। मंत्री मिश्रा ने कहा, कंपनी के अधिकारी जांच में मदद करें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो ये ऑनलाइन बिजनेस जो है, इस ऑनलाइन बिजनेस की कोई गाइडलाइन नहीं है। हम मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर इस तरह की ऑनलाइन जो बिजनेस कंपनियां हैं उनकी गाइडलाइन बनाएंगे कि किस तरह से, अगर इसमें तो कोई हथियार भी सप्लाई हो सकते हैं इस तरह से। तो गांजा पकड़ा गया है, ये 384 टन गांजा इसके द्वारा मंगाया गया अभी तक ये साबित हुआ है। कल्लू पवैया और मुकुल करके दो लोग हिरासत में लिए गए हैं, एक गोविंद ढाबे वाले को भी हिरासत में लिया है। अमेजन कंपनी वालों को बुलाया है, वो अभी इसमें मदद नहीं कर रहे हैं। अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर हम पकड़ के लाएंगे उन्हें, लेकिन इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश ने ये देश के अंदर एक दिशा देने वाला भांडा फोड़ा है, और इसलिए अमेजन से निवेदन है, इस कंपनी वालों से, इसके जो MD हो CEO हो, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई करेंगे।